वही लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं वो फिर उसी काम पे लग गए हैं। हम आज के अवसर पे ये पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ रहे? छोटे छोटे बातों में तो आने वाले लोग, 3 दिन हो गया, भारत की अस्मिता, भारत की मूल विचारधारा, भारतीयता पे आक्रमण हो रहा है। और मैंने तो कल कहा था, जहां से ये आवाज आई, पहला चेन्नई से ये सेमिनार में आई आवाज, वो सच में घबराए हुए हैं। जब काशी तमिल संगमम आयोजन किया गया तब अनुभव हुआ तमिलनाडु की सर्व समाज की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ। सर्व समाज में जब कहता हूं, सर्व समाज जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें उनकी नेता राहुल गांधी चुप है। केजरीवाल जी क्यों चुप है? अभी तक तो उनके बयान आ जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? तेजस्वी यादव साहब का क्या कहना है इस विषय पे? उनके भाई तो बंशी लेके घूमने वाले हैं, वो क्यों चुप है? अखिलेश जी क्यों चुप है इस विषय में? ममता जी तो दुर्गा पूजा को लेके इतना अभिमान करने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भले ही टीका ना लगाए, लेकिन वो चुप क्यों है? शरद राव जी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर देश में गणपति उत्सव के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए विख्यात, शरद पवार जी, श्रद्धा से उनको, शरद राव जी बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, मेरा भी श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन चुप क्यों? क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप क्वेश्चन, लोगों के आप बीजेपी की विरोधी हो, प्रतियोगी हो, हम समझ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या करते हो, आप असहिष्णु हो, आप नाटक करते हो, गले मिलने के लिए ड्रामा करते हो, लेकिन आपकी वाणी भारत जोड़ों में कौन कौन आपके साथ चले थे? कन्याकुमारी से ऊपर तक कौन आपके साथ शागिर्द थे? ये समूह आज फिर सक्रिय हुई है, इसलिए फिर मैं कहूंगा उनकी इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मोटो धर्म की जय हो उसी से जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट की मोटो है धर्म चक्र चलते रहनी चाहिए, भारत की अवधारणा में धर्म एक जीवन प्रवाह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व को वर्णन करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन चर्या है, एक जीवन शैली है, एक प्रवाह है। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। महवत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं, नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है, उससे पुड़िया लाके लेके वो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसकी विकल्प में हमारा तो नीति बड़ा स्पष्ट है, हम सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास, सबके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, जो हमारा नीति है, हमने उसी नीति पे गरीबों को घर दिया, कोई उपासना पद्धति को देख के नहीं दिया। हमें सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देश में क्रियान्वयन करने के लिए, हमने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखा, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, ये कहा जाता है कि कोई धर्म किसी को नीचा दिखाता है,
इस देश में महिलाओं का सम्मान हमने बढ़ाई, इज्जत घर दिया। कोरोना में चावल पहुंचा है, बैंक खाते में, जनधन खाते में पैसा पहुंचा है 3 महीने के लिए। हमने कोई जात पात धर्म नहीं देखा। हमारे तो इसीलिए नीति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके लिए प्रयास। हमारे लिए हमारी एजेंडा सुख समृद्धि है। आपकी एजेंडा नफरत, शंका, घृणा, विद्वेष, ये आपकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा रखती है और हम मांग करते हैं ये इंडिया अलायंस वाले, घमंडिया गठबंधन वाले इसकी स्पष्टता करें, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। ये नहीं चल सकता है ये कह के कि किसी का ये व्यक्ति अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। क्या हिंदुत्व को गाली देना अभिव्यक्ति में आपका ये स्वतंत्रता का इंटरप्रिटेशन है? भारत की बहुसंख्यक समाज की को आहत करना ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा है? कांग्रेस पार्टी इस बयान को खंडन करने के बजाय महिमा मंडन कर रही, ये चिंता के विषय। हम उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करते हैं।